अस्सलाम वालेकुम, लियाकत अशरफ कॉलोनी में मुरादाबाद नंबर 6 ग्राउंड फ्लोर का ये एक पोर्शन है। एक पे एक बना हुआ है इंटर ऑफ सर्विस का, ये लाउंज स्पेस है। किचन अच्छा बना हुआ है। अभी लाइट यहाँ थोड़ा सा रोशनी कम है क्योंकि लाइट शायद ख़राब हुई हुई है ऊपर की या जल नहीं रही। बहरहाल स्पेस अच्छा है, प्रॉपर वेस्ट ओपन है। गली से कम 2.5 से 3 फुट ऊंचा है। पानी का बिल्कुल कोई इशू नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत है। ये किचन स्पेस है इसका, किचन अच्छा बड़ा बना हुआ है। अभी थोड़ा सा लाइट की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ये रूम साइज़ देख लें आप, बेहतरीन रूम साइज़ है। इसका दरवाज़ा बाहर सीढ़ियों से भी है, यानी कि कोई मेहमान वगैरह आपका आ जाए तो आप इंटर कर सकते हैं। 2 बेड लाउंज है ये, फॉर सेल है। दोनों में अटैच बाथ है और एक, यानी कि दोनों रूम में अटैच है और अटैच के अलावा भी इसके अंदर जो है आपका गुसलखाना जिसको कहते हैं, यानी कि शावर एरिया, वो अलग से है। और अलमारी भी बनी हुई दूसरे रूम में। ये इसका एक वॉशरूम जिसके अंदर कमोड लगा हुआ है, सॉरी WC। ये दरवाज़ा बाहर से है, ये विंडो फ्रंट से वेस्ट ओपन की तरफ से। ये मैं आपको थोड़ा गली भी दिखाई दूँ, कुछ मेरे भाई गली को जानते भी होंगे। और ये दोबारा हम लोग लाउंज में आए, ये लाउंज। ये रूम साइज़ आप देखें, बहुत आउट क्लास है, मास्टर बेडरूम है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा फ्लैट है, फॉर सेल है। ये 2 बेड लाउंज प्रॉपर वेस्ट ओपन है, दोनों गलियाँ आर पार हैं। ये आपका जो है, यानी कि शावर एरिया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ गुसलखाना जो नहाने के लिए है। ये पीछे का दरवाज़ा भी है, चाहे तो आप इसको कमोड वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर अगर आपको नीड है। ये इसकी अलमारी बनी हुई है, अलमारी के साथ जो है ये इसका एक और वॉशरूम है जिसके अंदर भी मेरे ख्याल में WC ही है। ठीक है, ये फ्लैट आर पार है। इसकी खासियत ये है कि वेस्ट ओपन और ईस्ट ओपन दोनों गलियों में लगता है। रूम साइज़ चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फॉर सेल है, इसकी जो डिमांड है वो 65 की कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑफ़र चलेगी। उनको नीड है, आप ऑफ़र दे सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।